चलो आज हम कुछ नया करते हैं और अब हम अल्फाबेट सीखते हैं। अब ये क्या है? ट्रक। और इस ट्रक में क्या है? अल्फाबेट को हम रखे हैं। वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा सुंदर ट्रक है। अब चलो इस ट्रक को से हम अल्फाबेट को नीचे गिराते हैं। वाओ, एक एक करके नीचे गिर रहा है और ये देखने में भी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। वाओ, एक बज गया है, वो ये इसको नीचे गिराते हैं। चलो अब इस ट्रक को हम बाजू में रख देते हैं और ट्रक बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं विभिन्न प्रकार के रंगों में अल्फाबेट को हम लाइन से करेंगे। अब ये विभिन्न प्रकार के अल्फाबेट को हमने इस प्रकार से बिखेर दिया है। चलो अब इसको हाथों के माध्यम से हम इसको अलग अलग करते हैं ताकि हमको वहाँ पर रखने में आसानी हो। चलो इसे हम अलग अलग यहाँ पर रख देते हैं। अलग अलग विभिन्न प्रकार के रंगों में बहुत ही अच्छा सुंदर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले क्या आएगा? ए। और ए को हम यहाँ रखते हैं, ए। उसके बाद क्या आएगा? चलो ढूंढते हैं। वाओ, कहाँ पर है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। चलो अब इस प्रकार से हम इसको अलग अलग करके हम देखते हैं कहाँ पर है। और ये देखो, मुझे तो मिल ही नहीं रहा है। और ये मिल गया, बी। तो बी को हम ए के बाद रखेंगे, बी। चलो ये नीचे गिर गया, फिर से इसको उठाकर ऊपर रख देते हैं। और ये के बाद इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं ताकि वो आसानी से वहाँ पर लग जाए, ए बी। अब बी के बाद क्या आएगा? सी। चलो इसको भी यहाँ पर ऐसे रख देते हैं। वाओ, विभिन्न रंगों में बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, ए बी सी। अब आ जाएगा डी। डी को भी हम सी के बाद रख देंगे। वाओ, ये फिट हो गया, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। क्या आप लोग को भी मज़ा आ रहा है? अब इसके बाद देखते हैं ए बी सी डी के बाद ई। ई के बाद क्या लगा देंगे आप? एफ। चलो बहुत बढ़िया, एफ। अब एफ के बाद क्या करेंगे? जी। जी को वहाँ पर फिट कर देते हैं। वाओ, बहुत ही मज़ा आ रहा है। अब देखते हैं जी के बाद एच। एच को हम यहाँ पर जी के बाद लगा देंगे, एच। एच के बाद, चलो इसके बाद हम ढूंढेंगे क्या आएगा, आई। और ये आई को हम एच के बाद लगा देंगे। इस प्रकार से हमारा अल्फाबेट जम रहा है सीक्वेंस से। अब देखते हैं एच के बाद आई, आई के बाद जे। जे को भी हम यहाँ पर ऐसे लगा देंगे। वाओ, कितना मज़ेदार खिलौना है। अब जे के बाद के। के को भी हम यहाँ पर इस प्रकार से लगा देंगे, के। अब इसके बाद फिर ढूंढते हैं के बाद एल। एल को भी हम यहाँ पर ऐसे लगा देंगे, एल। इसके बाद एल के बाद क्या आ जाएगा? एम। एम को भी हम यहाँ पर ऐसा लगा देंगे, एम के बाद एन। वाह, मुझे तो आसानी से मिल रहा है, एन। विभिन्न रंगों में अल्फाबेट बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है और ये मज़ेदार खिलौना है। और इसी के साथ हम अल्फाबेट भी सीख रहे हैं, एम के बाद एन, फिर ओ। ओ, ओ को भी हम इस प्रकार से ऐसे लगा देंगे। अब ओ के बाद चलो देखते हैं हम लोग पी को ढूंढेंगे, पी कहाँ पर है? ये मिल गया मुझे। अब पी को भी यहाँ पर ऐसे लगा देंगे, पी के बाद क्यू। क्यू को भी इस प्रकार से हम ऐसे लगा देंगे। उसके बाद आर। आर जो है इस प्रकार से ऐसे लगा देंगे। उसके बाद एस। एस को भी हम ऐसे लगा देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार खिलौना है, इसके साथ मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है।
अब एस को आर, आर के बाद अब देखते हैं एस, एस को हम पर यहाँ पर इस प्रकार से लगा देंगे। ये देखो दिखने में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है और हमको मज़ा भी आ रहा है। आप भी इस प्रकार मज़े करते हुए अल्फाबेट सीखें और इस प्रकार से एस को हम यहाँ पर लगा दिए। अब इसके बाद आ जाएगा टी, टी को भी हम इस प्रकार से ऐसे इस पर यहाँ पर लगा देते हैं। वाह बहुत ही सुंदर दिख रहा है। टी के बाद यू, यू को भी हम इस प्रकार से ऐसे लगा देंगे और इस प्रकार से वी, यू के बाद वी, वी को भी जो है लाल रंग हमको दिखाई दे रहा है। वी के बाद अब डब्लू, डब्लू जो की हरे रंग में है, अब इसको हम इस प्रकार से ऐसे लगा देंगे। डब्लू के बाद एक्स, एक्स जो को है नीले रंग में है, अब इसको इस प्रकार से डब्लू के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई, वाई को इस प्रकार से हम यहाँ पर लगा देंगे। अब इसके बाद जेड, जेड को यहाँ हम लगा देंगे। इस प्रकार से हमारा अल्फाबेट पूरा हुआ। वाह मज़ा।